नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। पत्रकारों के सवालों से घिरे सांसद दिनेश लाल निरहुआ के छूटे पसीने। दरअसल सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान पर 1 तारीख को 1 घंटा कार्यक्रम के आह्वान पर रोडवेज परिसर साफ सफाई करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देते हुए उनके पसीने छूटने लगे। दरअसल रोडवेज की बसें परिसर में न खड़ा होकर सड़क पर खड़ा होती हैं। रोडवेज कर्मचारी वहीं से सवारियों को भरते हैं। इतना ही नहीं, रोडवेज की बसों में लगे प्रेशर हॉर्न रोडवेज के आसपास रह रहे लोगों का जीना मुहाल कर रहे हैं। इसी दौरान रोडवेज की साफ सफाई करने जब दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे तो उन्हें मीडिया के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। मीडिया के तीखे सवालों के सामने सांसद जी बेबस नजर आए और पसीना पोंछने लगे। हालांकि इस दौरान रोडवेज में आरएम संसद के सामने अपनी सफाई भी देते हुए नजर आए। फिलहाल सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि उन्होंने भी प्रेशर हॉर्न की शिकायत की थी और उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही इस पर रोक लगाई जाएगी और चालान काटा जाएगा। जल्द से जल्द इसमें सुधार होगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती, क्या मैसेज आजमगढ़ के लोगों को देना? मैं यही कहना चाहूंगा आजमगढ़ के लोगों, जो आजमगढ़ में खादी उद्योग भंडार है वहाँ मैं कुछ न कुछ खरीदूंगा और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दीजिए और जो भी आप वस्त्र पहनते हैं उसमें खादी को शामिल करिए, क्योंकि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे, जब हम अपने लोकल के लिए वोकल होंगे तो ही हम इसको समृद्ध बना पाएंगे और इसमें हम लोग लगातार कदम बढ़ा रहे हैं और आजमगढ़ में रह के इन चीज़ों को मैं खुद ही करने वाला हूं और कर रहा हूं लगातार, तो लगातार आप मुझे यहां पाएंगे और एक एक चीज़ पे नज़र बनी हुई है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आजमगढ़ में तो सर खादी की ऐसी स्थिति हो गई कि खादी का जो मुख्यालय था ना वो पूरा बिक गया। अच्छा, पूरा बिक गया जहां में खादी का जो है। तो मैं कल आ रहा हूं वहां, मैं कल वहां आ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आइए और वहाँ कुछ ना कुछ सब लोग खरीदेंगे और खादी को बढ़ावा देना, जो गांधी जी का सपना था स्वदेशी अपनाओ, उसको हम लोग को साकार करना है। मुझे लगता है कि जैसी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, पिछले दिनों जब आए थे हमारे परिवहन मंत्री जी तो उनसे भी मैंने जिले की जितनी मांग थी वो रखा था, कई बसों की मांग थी वो भी रखा था, वो भी उन्होंने कहा कि उसमें भी वो काम कर रहे हैं और बाकी रोडवेज की जो स्थिति है उसमें कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी है तो उस पर हम काम करें। यहाँ साफ़ सफाई की बहुत आवश्यकता है और मुझे ये पहले भी महसूस हुआ था, इसीलिए मैंने चुना था कि रोडवेज से ही साफ सफाई का अभियान शुरू किया जाए, तो आज तो शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से बिना साफ सफाई के आप समृद्ध नहीं हो सकते हैं। अगर हमको आजमगढ़ को समृद्ध बनाना है तो हमें स्वच्छ आजमगढ़ बनाना ही पड़ेगा और उसके लिए मैंने पूरी टीम भी बना ली है और आज शुरुआत हुई है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आज ही होगा, लगातार हम लोग आजमगढ़ में साफ सफाई का अभियान चलाएंगे। और ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब तक हम स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे, स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम समृद्ध नहीं बन पाएंगे। अगर हमको समृद्ध बनना है, हमको विकसित भारत बनना है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है उसमें पूरे देश को हाथ बटाना होगा, अपने आसपास साफ सफाई रखनी होगी, अपने घर के आसपास, अपने दुकान के आसपास, अपने होटल के आसपास, जहाँ भी आप हैं वहाँ साफ सफाई रखेंगे तो अपने आप समृद्धि आएगी। तो कहीं ना कहीं इसी संदेश के लिए ये शुरुआत हुई है और पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों ने भी ये प्रण लिया है कि हम भी आजमगढ़ को पूरी तरह से स्वच्छ आजमगढ़ बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, इतना हाईटेक रोडवेज यहाँ पे बना जो है, लेकिन इसके बावजूद जो है सड़कों पर जो है रोडवेज की बसें खड़ी होती हैं जिसके कारण जाम लगता है, लगातार प्रेशर आ रहा है सड़क पर, इतने बड़े कार्यालय का। इसके लिए ही मैंने आज अधिकारियों को भी बुलाया सभी, क्योंकि मैं खुद ही रोडवेज के सामने ही यहाँ रुकता हूँ, तो जो प्रेशर हॉर्न है उसकी शिकायत मैंने भी फ़ोन करके किया था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, या तो आप इनको चालान काटिए या तो इस पर रोक लगाइए, क्योंकि ये जो चीज़
हाँ चालान काटना ही पड़ेगा। कहाँ है आराम से आप बुलाइए उनको। ये जो हाँ आपका निर्देश है लेकिन अभी भी गाड़ियों में प्रेशर हाल उसके बाद ये जनता नहीं मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। सांसद जी यहाँ की जन समस्या यह सबसे बड़ी समस्या है और मैंने खुद उसको दिन लोग जो है इस चीज को पोस्ट करते हैं, शायद मुख्यमंत्री कार्यालय को पोस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को। चूंकि आप इस जिले की अगुवाई करते हैं, अगर आपसे फिर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर न्याय कहाँ लोगों को मिलेगा। नहीं निश्चित रूप से मिलेगा और आगे आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। बीच में इतना जगह बना हुआ है मतलब यूजलेस है ये। इसको हटवाया जा रहा है। हाँ, इसको यात्री प्रतीक्षालय है मतलब ऐसे जगह बना हुआ है, अगर यात्री वहाँ बैठ जाए तो बस ही नहीं कभी बैठ पाए। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।